नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। शुरुआत करते हैं सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी हत्याकांड को लेकर। पूरे देश की निगाहें अब इस पर टिक गई है क्योंकि इस केस में लॉरेंस बिश्नोई से भी अब पूछताछ की जा सकती है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, सूत्रों के मुताबिक पुलिस जेल में बंद संपत नेहरा और लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ यहां पर कर सकती है। तो राजस्थान पुलिस को पंजाब ने अलर्ट किया था, लेकिन राजस्थान की पुलिस ने एक्शन लिया ही नहीं और नतीजा सभी के सामने है। दरअसल पंजाब पुलिस के एडीजीपी और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के चीफ से बात की गई है न्यूज 18 इंडिया के पंकज कपाही ने। लॉरेंस गैंग पिछले एक डेढ़ साल में सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद काफी एक्टिव हुई है। पंजाब पुलिस किस तरह से एक्शन ले रही है, क्या कुछ पंजाब पुलिस कर रही है, अगर इस तरह के इनपुट मिलते हैं तो? जितने भी गैंगस्टर गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं ना केवल पंजाब में बट नॉर्थ इंडिया में, जितना भी कनेक्शन पंजाब में ना रहे, वी ऑपरेट ऑन दैट। और ठीक, जेल से कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम तो है विच वी आर ऑल फेसिंग, सारी स्टेट पुलिस इसको फेस कर रहे हैं। पर इन दिनों के खिलाफ एक्शन करने के लिए इन अ कंसर्टेड इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर दूजे राजा के नाल सेंट्रल एजेंसीज के नाल मिलकर काम कर रहे हैं। तो जिवें तुहानूं दोनों सालों पता ही है कि पिछले एक डेढ़ साल के अरसे के दौरान काफी वड्डी गिनती दे विच इन्हां दे मेंबर्स पकड़े गए हैं, काफी सारे मॉड्यूल्स बस्ट हुए हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इसी गैंग के सचिन बिश्नोई, जिसको की रिसेंटली अजरबैजान से लेकर आया गया, वो भी इन्फॉर्मेशन एजीटीएफ की इन्फॉर्मेशन शेयर करी गई थी सेंट्रल एजेंसी के नाल, इस पर कार्रवाई करते हुए और दूजे राजा दूजे कंट्रीज नाल सेंट्रल एजेंसी वो लोग कोऑर्डिनेट करके वापस लाया गया। सर, ये लॉरेंस गैंग जो है इसमें संपत नेहरा है, रोहित गुदारा है, इनका मॉड्यूल कैसे, अभी तक कितने लोग इनके पकड़े गए हैं और इनका मॉड्यूल कैसे तोड़ने की कोशिश है? लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, दिल्ली वालों भी, साढ़े वालों भी, दूसरी स्टेट हरियाणा राजस्थान वालों भी इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, लगातार चल रही है। सर, कितने लोगों को पकड़ लिया है लॉरेंस गैंग के जो सिद्धू मूसेवाला केस में इन्वॉल्व है, और वैसे कितने लोगों को गिरफ्तार किया टोटल? इस अकेले केस में ही 29 बंदे पकड़े गए थे, दो बंदे न्यूट्रलाइज भी हुए थे अमृतसर में। दूसरा ये भी है सर, क्योंकि ये जो गैंगस्टर हैं कुछ जेलों में बंद हैं, कुछ अनदर कंट्री में है, कोई कनाडा से है, तो ये नेक्सस किस तरह से देखा जा रहा है? जहाँ तक फिरौती कॉलर का सवाल है, ये मैं आई कैन स्टेट अबाउट द स्टेट ऑफ पंजाब, यहाँ पे तुरंत उस पर कार्रवाई होती है, प्रॉपर सर्विलेंस होती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाती है। और अगर आपको ध्यान हो तो पीछे फरीदकोट फिरोजपुर के एरिया में, बटाला एरिया में, जो कि एक्सटॉर्शन वाले कॉल्स के जो कल्प्रिट्स थे, इसके नाम बोगा थे, भी काफी बड़ी गिनती इनको पकड़ा भी गया है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की गई है। पंजाब पुलिस की तरफ से ये इनके खिलाफ जो है सीधी कार्रवाई चल रही है, वन टू वन कार्रवाई चल रही है, और इसमें एक एक बंदे को इनको शॉर्टलिस्ट करा जा रहा है, खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इनके फुट सोल्जर्स पर नजर रखी जा रही है, जेलों पर सर्विलेंस रखा जा रहा है।